जब भी यार फोन के लॉन्चेस आते हैं ना पास में, तो एक्साइटमेंट ऐसे बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर भाई एक और नया फोन आ रहा है 23 जुलाई को, पोको F3 GT। और ये फोन जो है काफी ज्यादा मसालेदार होने वाला है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार वीडियो पे आ रहे हो, एक चैनल पे आ रहे हो, तो प्लीज डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बैक स्टोरी बताऊं, जब पोको का सबसे पहला फोन आया था पोको F1, तो उसने भाई बहुत ही ज्यादा धमाका मचाया था भाई, पूरी इंडस्ट्री हिला दी थी फोन मार्केट की। और सब लोगों के मन में बस पोको 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 चढ़ा था, क्योंकि वो फोन 18-20 हज़ार रुपए के अंदर एक तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा था, एक तगड़ा गेमिंग फोन उसे माना जा रहा था, और मतलब था भी वो। तो बेसिकली पोको F3 GT जो आ रहा है, ये होगा रेडमी K40 गेमिंग एडिशन का रिवैम्प्ड वर्जन, या फिर आप बोलो रीब्रांडेड वर्जन, जो कि इंडिया में पोको F3 GT के नाम से आ रहा है। और इसका लॉन्च इवेंट है 23 जुलाई को, और ये फोन फ्लिपकार्ट के ऊपर भाई अब इस टाइम पर लिस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भाई मैंने रेडमी K40 एडिशन के ऊपर अभी थोड़े टाइम पहले एक पूरी वीडियो बनाई है, अनबॉक्सिंग से लेकर हर एक चीज। अगर आप लोगों ने वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैंने एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस करा था उस फोन का, रेडमी K40 गेमिंग एडिशन का, और वो चाइनीज वेरिएंट था, मैंने भारत से मंगवाया था। तो मेरे को पता है कि भाई पोको F3 GT कैसा होने वाला है। तो एक चीज बताता हूं, मैंने जब उस फोन को पहली बार हाथ में उठाया था अनबॉक्स करके एकदम से, तो एक फील जो थी ना उस फोन के अंदर, वो एक बहुत ही अमेजिंग थी। और वही अब आपको पोको F3 GT में मिलेगी, पूरा पूरा ग्लास एंड मेटल कंस्ट्रक्शन का जो फोन है ना, वो एक बहुत ही रगेड और बहुत ही अच्छी फील देता है हाथ के अंदर। एंड भाई इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, जब तक आप खुद फील नहीं करोगे बता, लाइक आपको महसूस नहीं होगा, बट मैं कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि वो बहुत ही अच्छा फील दे रहा था फोन जब मैंने उसे पकड़ा। देन एक और चीज, इस फोन के अंदर पूरे के पूरे भाई फ्लैगशिप फीचर्स डाले गए हैं। इसे मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 वाला प्रोसेसर होगा, जो कि एक 5G प्रोसेसर है और एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब बाकी ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो मुझे ये नहीं पता कि भाई इंडियन वाला वेरिएंट जो आ रहा है पोको का F3 GT वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा जाएगा लाइक सॉफ्टवेयर के साथ। बट जो मैंने K40 एडिशन चलाया था गेमिंग एडिशन, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज था, काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसके अंदर। बाकी भाई इसकी डिस्प्ले जो होगी वो होगी भाई एक बहुत ही तगड़ी, यहाँ पे 120Hz के हमारे को AMOLED डिस्प्ले मिलेगी। एंड लिटरली बता रहा हूँ भाई, ये HDR 1035 है, मतलब सब कुछ है इसके अंदर। बट डिस्प्ले के जो ओवरऑल कलर्स हैं, सैचुरेशन है, कंट्रास्ट है, वो मैंने पर्सनल यूज करा है, तो आपको उसी तरीके से बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले यार इसकी। तो ये 500 nits की भाई पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है, तो अगर आप लोग आउटडोर में भी यूज करोगे ठीक रहेगी। थोड़ा सा अगर नेट वैल्यू ज्यादा होती तो सही रहता, अराउंड 800 या 700, बट ठीक है 500 मैंने यूज करा इसको, मेरे को तो सही लगा था फोन आउटडोर भी। तो इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 आपको फ्रंट में भी प्रोटेक्शन दे रही है, साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन बैक में भी, दोनों साइड से गोरिल्ला ग्लास 5 है। एंड पूरा मेटल का फ्रेम है, साथ ही साथ IP55 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंसी का आपको रेटिंग भी मिल जाती है। तो मतलब फोन में सारा कुछ दे रखा है फ्लैगशिप वाली चीजें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटरेस्टिंग है इसके अंदर। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है भाई, इसके अंदर आपको ट्रिगर्स मिलते हैं जो कि आप लोग एडजस्ट कर सकते हो गेमिंग के हिसाब से। लाइक अगर आप पबजी खेल रहे हो, या लाइक पबजी नहीं बजमी, अगर आप बजमी खेल रहे हो या फिर अगर आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो, आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। और वो ट्रिगर काम करते हैं, पूरे फिजिकल ट्रिगर हैं, एंड वो बिल्कुल स्लाइडर वाले हैं, आप उन्हें हाइड भी कर सकते हो, उन्हें एक्सपोज भी कर सकते हो, तो ये काफी सही चीज है। मतलब पूरा गेमिंग फोन है, साथ ही इसके अंदर वेपर चैम्बर मिलता है आप लोगों को, ताकि इसके अंदर जो हीट की डेसिपेशन है वो काफी सही रहती है, मतलब फोन ज्यादा हीट भी नहीं करता। तो फोन के अंदर यार पूरे ओवरऑल सारे के सारे फ्लैगशिप फीचर्स हमें भर ही दिए हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको इसमें हेडफोन जैक में मिलता है, यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, ब्लूटूथ 5.2 है, साउंड जो है ट्यून्ड बाय JBL, इसमें साउंड बॉक्स मिलता है JBL का, डुअल साइडेड आपको स्पीकर्स मिलते हैं इसके अंदर, मतलब एक ऊपर साइड फायर करेगा, नीचे साइड फायर करेगा, काफी अच्छी साउंड आती है। तो फोन मेरे को जब मेरे हाथ में उठाया था पूरा ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस दे रहा था। साथ जो कैमरा सेटअप है वो भी एक अच्छा मिलता है, यहाँ पे 64 MP का मेन कैमरा मिलता है, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो, तो कैमरा सेटअप भी काफी अच्छा है, डिसेंट है। बट इस फोन के लिए मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज लगी थी कि इसका जो ओवरऑल आपको फील है हाथ में और जो लुक्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है फोन के, पूरा गेमिंग फोन लगता है। और ये इंडिया के अंदर अभी बताया जा रहा है इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो है 8GB रैम और 128GB वाले मॉडल की करीब 28,999, तो 29,000 रुपए के अंदर ये फोन आपको देखने मिल सकता है, या फिर 30,000 रुपए के अंदर। ये दो प्राइसिंग आ रही है बेस वेरिएंट की, और इसका जो टॉप वेरिएंट होगा 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला, वो होगा अराउंड 33 या फिर 32,000 का। तो मतलब प्राइसिंग जो है काफी ज्यादा बढ़िया रख लिया है भाई, फोन को बेचने की पूरी पूरी तैयारी है, IQ का और काफी सारी ब्रांड्स का नाम और निशान मिटाने की पूरी पूरी तैयारी है। OnePlus Nord 2 थोड़ा खतरे में मुझे अब लग रहा है। तो ये फोन जो है ना यार मैंने पर्सनल यूज करा, इसलिए मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ये फोन सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। और इंडिया में अगर ये आ रहा है तो भाई तबाही थोड़ी मच सकती है, मार्केट थोड़ी हिल सकती है फाइनली अब वापस दोबारा से पोको की तरफ से काफी टाइम बाद। तो मैं तो यार काफी एक्साइटेड हूँ जुलाई 23 के लिए, और देखते हैं कैसा रहता है फोन। आप लोगों को वीडियो जरूर मिलेगी इस फोन की चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके गाइस बाय।